हेलो दोस्तों, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग जेर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं महिपाल सिंह चौहान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, फिर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो है सब्सक्राइबर डिमांड मोटो G5S प्लस के बारे में। दोस्तों, मोटो G5S प्लस लेटेस्ट ही अमेजोन पे लॉन्च हुआ 16,000 की प्राइस रेंज का एक नया फोन, जिसमें हम बात करते हैं कि फोन जो है काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है 6,000 प्राइस रेंज में। जो दोस्तों फोन वही है मोटो G5, लेकिन चेंज जो आया है वो आया है इसके कैमरे में। दोस्तों, ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, पहले भी ड्यूल कैमरा आपको देखने को मिला था, लेकिन कैमरे के जो फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। 13 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरे आपको दे दिए गए हैं, काफी अच्छे लो लाइट इफेक्ट पे फोटो कैप्चर करते हैं और डे लाइट इफेक्ट पे फोटो कैप्चर करते हैं। तो ये था नया, लेकिन इसमें क्या थी पुरानी स्पेसिफिकेशन उसको मैं बताता हूँ। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर, DDR4 की 4GB रैम, 3GB रैम और DDR3 का जो है वो आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। तो ये थी मेन फीचर्स हाईलाइट। मेटल बॉडी आपको देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। ये जो पुराने फीचर्स है मोटो G5 वाले वही है, कैमरे पे काम किया गया है, इसी इन्हीं चीजों पे काम किया गया है। उसके बाद बात करते हैं मोटो का अपकमिंग फोटो फोन मोटो X4 के बारे में। मोटो X4 जो है यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। यूरोपियन मार्केट में इसकी करेंसी लगभग इंडियन करेंसी के अनुसार 30,000 है दोस्तों। लेकिन फोन में नया क्या है, मोटो X4 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर, जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है, नया लॉन्च हुआ प्रोसेसर है, विथ एंड्रॉइड 508। ये भी एक नया GPU है। तो नए GPU के साथ और नए प्रोसेसर के साथ फोन जो है लॉन्च होने वाला है। और कैमरे जो है उसके भी 13 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, नए लेंस के साथ काफी अच्छे फोकसिंग और कैप्चरिंग की कैपेसिटी बता रहा है मोटो। मोटो क्या है कि मोटो काफी टाइम से इंडियन मार्केट जो है वो कैमरा कॉन्सेंट्रेट फोन पे ही चल रहा है। वीवो और ओप्पो की बात करते हैं तो देख लीजिए आप, फोन केवल कैमरे के बेसिस पे चल रहा है। उसी को देखते हुए मोटो ने सोचा कि इंडियन मार्केट में हम भी कैमरे पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपना कुछ मार्केटिंग बढ़ाए, तो उसी को लेके मोटो ने ये फोन लॉन्चेस किए हैं। और देखते हैं X4 किस प्राइस रेंज के साथ लॉन्च होता है। दोस्तों, 4GB की रैम है, DDR4 वही प्रोसेसर, नए प्रोसेसर, और ये चीज जो है अगर 25,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च होती है तो फोन सक्सेस रहेगा मार्केट में, क्योंकि 30,000 तक फोन काफी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपके लिए एक अच्छे प्राइस टैग के साथ फोन। बेझिझक होकर मोटो G5S प्लस खरीदिए और मोटो X4 का वेट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, और भी बेहतरीन वीडियो आती रहेगी। आपका दोस्त, आपका सोच, महिपाल सिंह चौहान आपसे लेता है विदा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।